मुझे कल रात कई न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? तो ये मेरे सवाल हैं जो कांग्रेस लीडरशिप से हैं, और कांग्रेस नेतृत्व को ये बताना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बात और कौन सा बयान पार्टी विरोधी है। ये मेरी मांग है। दूसरी मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है, इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तो ये देश हित में फैसला था, कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर
मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों हूँ। लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। दूसरा, मैंने सोचा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी माँ, अपने पिता के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत नहीं करना जानता, जो नेता इंदिरा जी के साथ रहे, जो नेता राजीव गांधी जी के साथ रहे, जो नेता सोनिया जी के साथ रहे, गुलाम नबी आजाद से लेके कमलनाथ तक, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी तक, आनंद शर्मा तक, ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सोचा, मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। महाभारत में सारे महारथियों ने मिलके षड्यंत्र के तहत एक निहत्ते अभिमन्यु का वध किया था। उसका परिणाम इतिहास में दर्ज है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया गया है। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं
आज मुक्त हुआ। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को हो रहा है और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने आ रहे हैं। पत्रकार साथियों, सवाल इस देश के भविष्य का है। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विपक्ष का अर्थ यह नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। अपना दृष्टिकोण बदले बिना इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता है। मैं आज बड़े पवित्र भाव से, बड़ी पवित्र भावनाओं से ये कहते हुए बड़ा आनंदित हूं कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो मैंने वचन छात्र जीवन में दिया था, मैंने उसको नहीं तोड़ा। लेकिन आज के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में, भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को और मजबूत बनाने के लिए, भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।